सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नशे की लत से बच सकते हैं, कैसे आप नशे की लत से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहला करंथियो 10 अध्याय वचन 13 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप एक नशा करने वाले व्यक्ति हैं और नशे के लत से बाहर आना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की ज़रूरत होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे और पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेंगे ऐसी नशे की लत से बाहर आने के लिए। इसलिए अगर आपने जो भी पाप किए हैं, जो भी गलतियां परमेश्वर के वचन के विरोध में की हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको आज प्रार्थना करके अपनी सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको नशे की लत से बाहर आने के लिए सामर्थ्य देंगे और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। जब हम पहला करंथियों 6 अध्याय वचन 12 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि शरीर की अभिलाषाएं और पाप आपके जीवन के ऊपर राज्य ना करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जब भी आपको लगे कि आप पाप करना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। इसलिए अपने जीवन को, अपने शरीरों को आपको साफ रखना है ताकि परमेश्वर के राज्य आने तक आप परिपूर्ण रहें। परमेश्वर के राज्य आने तक आपको अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको उन लोगों से दूर रहना है जो नशा करने में आपको कहते हैं और आपके साथ बैठते हैं, तो आपको उन ऐसी संगतियों से दूर रहना है। बाइबल में लिखा है, पहला करंथियों 15 अध्याय वचन 33 में लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, जो लोग नशे में रहते हैं, जो लोग अपने आप को और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के विरोध में व्यतीत करते हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आपको ऐसी संगतियों से दूर रहना है। यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको नशे से बाहर आने के लिए सामर्थ्य देंगे। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि प्रभु का वचन और भी लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले सबको जय मसीह की।